अब पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं, क्या आप कोई अच्छा एजेंट ऐसा कोई सुजेस्ट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान से 100% जो है वो वर्क परमिट दे, जिसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई ऐसा वैसा काम? इसमें फुरकान भाई मैं एक चीज बड़ी आसानी से आपको बता सकता हूँ, वो ये कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने आपके थ्रू अगर काम किया था, देखें बात ये होती है कि हम हमेशा उस डॉक्टर या तबीब का मशवरा देते हैं जिससे हमें खुद शिफा मिले। बिल्कुल। अगर मैं लेट से कि आपसे काम करवाता हूँ, मेरी पास वो मैंने आपसे एक पैकेज छोटा सा बाय किया था, जी, उस पैकेज पे मैंने आगे मूव किया, मुझे बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ, मुझे बड़ा मजा आया उसमें। और अब देखे ना कि मुझे अगर उस 30-40-50 हज़ार से शिफा मिली है, जी, तो मैं लोगों को तो ये मशवरा दूंगा आपसे या आप जैसे और भाइयों से, वो जरूर इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो अवेल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मेरा बड़ा भाई ये लक्ज़मबर्ग से पाकिस्तान तशरीफ फरमा चुका है और मैंने बड़ा समझाया इसको, यकीन करें ये बंदा मेरी बात नहीं मानी इसने। लोग यहाँ से लक्ज़मबर्ग मूव कर रहे हैं और ये बंदा पाकिस्तान आ गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये कहता है कि नहीं भाई हूँ नहीं। इसे पूछते हैं कि रीज़न क्या है, क्यों छोड़ के आया, क्योंकि लोग तो तरसते हैं इस कंट्री के लिए और ये बंदा एक साल लगा के वापस आ गया। जी शुजैब भाई, क्या मसला बना, आपको क्यों वापस आए हैं आप? सबसे पहले फुरकान भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, कि मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की, जॉब मिली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे सैलरी थी सिर्फ 3500 सिर्फ। हाँ। पाकिस्तान में मुझे सैलरी ऑफर हुई है 35,000। अरे अल्लाह के बंदे, वो पागल आदमी है यार, 3500 यूरो पता कितने पैसे बनते हैं भाई? 35,000 कितने होते हैं? 3500 11 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, 11 लाख भाई। 35,000 में एक सिफर ज्यादा होता है, 11 लाख नहीं कुछ भी होता। हमने तो देखना ना हमारे हाथ में क्या आया, कितने सिफरों वाले पैसे आए हैं। अगर हमारे हाथ में 2 सिफरों वाले पैसे आ रहे हैं, 3 सिफरों वाले आ रहे हैं, तो इनकी क्या वैल्यू है? आप तो वो देखे ना, आप सिर्फ ये बंदा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से छोड़ गया है जी, कहता वहाँ पे मुझे 3500 यूरो मिल रहा था और यहाँ पे मुझे 35,000 मिल रही है सैलरी। अंदाजा करो यार इस बंदे का, यार ये को है बात करने वाली यार भाई? ये बात ही करने वाली, अब किसी भी बंदे से पूछ लें, आप पाकिस्तान के हालात देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा 3500 ज्यादा होता है या 35,000 ज्यादा होता है। आप वीजा कितने का लेके गए थे भाई? वो जितने का भी था वो छोड़ दें आप। अच्छा, मैं गया, मैंने वहाँ पे कमाई की, मुझे वहाँ पे काम मिला, सिर्फ 3500 यार सैलरी, ये कोई सैलरी है यार? अच्छा, में गुजारा नहीं होता। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मूव करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, क्या वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं भाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, मगर यार बात डिपेंड करती है आपकी सैलरी कितनी है। जब आपकी सैलरी सिर्फ 3500 रुपए, आप 3500 रुपए में पाकिस्तान में एक दिन नहीं गुजार सकते यार। इन्हें समझाओ, मेरे बसों गल बात यार, ये आप मजाक कर रहे हैं कि बाकी सीरियस है? नहीं भाई, मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, हर किसी को अब्रॉड जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल, ये हमने आप दोस्तों के लिए, आप भाइयों के लिए, सब देखने वाले प्यार करने वाले भाइयों के लिए एक छोटा सा कह लें कि एक शुगल की है। ओवरऑल आपको जाना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और काम करने वालों के लिए तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं। आप जाएं एक्सप्लोर करें, हम ये अपनी दुआओं में याद रखें और अपने लिए मौके पैदा करें और अपने से आगे आने वाले लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करें, क्योंकि अच्छा मशवरा देना भी एक अमानत होती है। अच्छा मशवरा ही आगे डिलीवर करें, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे इंशाल्लाह, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा शुजैब, एक चीज और है, जो बंदे पाकिस्तान से अभी के टाइम पे वर्क परमिट लेके मूव करना चाह रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें जी ऑनलाइन जॉब पोर्टल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, जहाँ पे वो कह रही हैं कि हमारे पास लेबर शॉर्टेज है, हमारे पास कोटे मौजूद हैं, आप लोग अपना CV डिस्ट्रीब्यूट करें और आप लोग आ जाए। ठीक है, अब पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं, क्या आप कोई अच्छा एजेंट ऐसा कोई सुजेस्ट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान से 100% जो है वो वर्क परमिट दे, जिसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई ऐसा वैसा काम ना हो? इसमें फुरकान भाई मैं एक चीज बड़ी आसानी से आपको बता सकता हूँ, वो ये कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैंने आपके थ्रू अगर काम किया था, देखें बात ये होती है कि हम हमेशा उस डॉक्टर या तबीब का मशवरा देते हैं जिससे हमें खुद शिफा मिले। बिल्कुल। अगर मैं लेट से कि आपसे काम करवाता हूँ, मेरी पास वो मैंने आपसे एक पैकेज छोटा सा बाय किया था, जी, उस पैकेज पे मैंने आगे मूव किया, मुझे बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ, मुझे बड़ा मजा आया उसमें। और अब देखे ना कि मुझे अगर उस 30-40-50 हज़ार से शिफा मिली है, जी, तो मैं लोगों को तो ये मशवरा दूंगा आपसे या आप जैसे और भाइयों से, जी, वो जरूर इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो अवेल करें, उनको अवेल करना चाहिए। जी, और जी।
मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो मैंने जिससे काम करवाया मैं तो जाहिर सी बात है उसी का मशवरा दूंगा जी जी। ऑनवर्ड्स अब आगे कोई और भी एजेंट्स हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस चीज का मुझे आइडिया नहीं है, मगर मैंने अगर आपसे कराया था तो मैं ये जरूर कहूंगा कि चलें आपसे वो ना करें, मगर जिससे मुझे शिफा मिली उसके पास अगर वो जाते हैं तो माइट भी उनको भी शिफा मिले। ऐसे ही है। अच्छा तो एक चीज और बताएं, कैसा है कंट्री, मजेदार है? भाई बिल्कुल जाना चाहिए, मज़ेदार है। अगर मैं बात करूँ ना पाकिस्तान की, तो अगर हम लाहौर में हैं, लाहौर से निकल के इस्लामाबाद जाते हैं, पूरा एरिया चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ओवरऑल जो आपकी देखने के हिसाब से व्यूज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम एक मुल्क में रहते हुए एक इलाके से दूसरे इलाके या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हमें बहुत मज़ेदार सीन्स मिलते हैं, बहुत एक बंदा एनर्जेटिक फील करता है, बंदा तीन चार छुट्टियां गुजार के आए तो 5-6 महीने बहुत अच्छे गुजर जाते हैं, 5-6 साल भी अच्छे गुजर जाते हैं कईयों के। मगर बात करने का ये मकसद है कि जब आप एक और रीजन में जाते हैं, जब आप एक और कंट्री में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ऐसे उन सीखने वाली चीज़ों से आपकी जो है लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है आपका लाइफस्टाइल। तो मेरा मशवरा है आपको बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए, आपको यूरोप जाना चाहिए। यूरोप जो है अपने आप में बहुत अच्छा कंट्री है, मतलब सारे जितने भी स्टेट्स हैं यूरोप की बहुत अच्छी स्टेट्स हैं, सारे कंट्रीज बहुत अच्छे हैं, आपको ज़रूर जाके विजिट करना चाहिए और आप भी बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस को इन्जॉय करेंगे। तो असल में पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम हुई बड़ी है कि पाकिस्तान में कोई ट्रस्टेबल बंदा ही नहीं मिल रहा असल में, हर बंदे बंदे का यही मसला है। असल में मैं फुरकान भाई इस चीज़ पे मज़ीद रोशनी डालूंगा कि मैं भी ऐसे ही था, एक अननोन पर्सन के तौर पे आपके पास आया था और उसके बाद हमारा मामला कैसे चला वो आप ही बेहतर जानते हैं जी जी। तो हमारी वो सारी मामला तय पाया, मैं एक न्यूट्रल पर्सन होने के हवाले से लोगों को पता नहीं क्या लगेगा कि शायद ये कोई प्रमोशन कर रहा है कुछ भी ऐसा वैसा, तो बाय गॉड ऐसी कोई बात नहीं है। और इस चीज़ को आप भी जानते हैं कि हमने एक जनरल वीडियो शूट करने के लिए ही वो अपना कैमरा ऑन किया था और वो बस ऐसी बात जो है वो जॉब की तरफ आ गई या एजेंट की तरफ आ गई जी जी। तो मैं मतलब उस चीज़ को बड़ा क्लियर कह सकता हूँ कि हमें जो है वो बिल्कुल किसी ट्रस्टवर्दी बंदे की तरफ जाना चाहिए, और मेरा ट्रस्टवर्दी बंदा तो वो है कि जिसने मेरा भला किया है। अदरवाइज मैं काफी सारे लोगों को आपसे पहले पैसे देके भी बैठा हुआ था, काफी सारे लोगों ने मुझे चीट भी किया, मतलब काफी सारे ड्रामास भी है ना, लोग बड़ी दूर दूर से बुला लेते हैं, आगे से रिस्पॉन्स क्या होता है, जीरो। ऐसे तो उस मामले में जो है वो मैं अगर सजेस्ट करूँ पर्सनली तो मैं आपका आपकी सजेशन दूंगा, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि पाकिस्तान में एक दफा स्टेट लाइफ बड़ी हाइप पे थी, तो स्टेट लाइफ में कुछ फ्रॉडस्टर्स थे, फ्रॉड कर रहे थे, कुछ लोग जेन्युइन थे, वो असल में हकीकी पॉलिसीज कर रहे थे। ऐसे जिन्होंने हकीकी पॉलिसीज की वो मतलब 100 में से कोई 10-20 थे, कुछ लोगों ने फ्रॉड्स किए। तो एक तो मैं ये मैसेज जो है अपना लोगों तक कन्वे करना चाहता हूँ कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो लोग भी सुन रहे होंगे, उनको भी ये पता होना चाहिए कि वो जो इस तरह के पैसे लेके जाते हैं ना उनको हजम नहीं होते हैं। ऐसे जो पुराने स्टेट लाइफ के एजेंट्स थे वो आज स्टेट लाइफ के एरिया मैनेजर्स या शायद जोनल मैनेजर्स बन के बैठे हुए हैं, आज से जो 10 साल पहले हलाली काम कर रहे थे और वो आज रिस्क हलाल मजीद कमा रहे हैं और पैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो फ्रॉडस्टर्स थे वो 4-5 साल उन्होंने खूब कमाया, खूब खाया, लोगों की बददुआएं ली हैं और कहीं इधर उधर हो गए। आज उन पे कोई ट्रस्ट ना करता है, ना उन्हें कोई बुलाता है, ना उन्हें कोई देखना चाहता है, ना उन्हें कोई सुनना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके थ्रू अगर वो करवाना चाहें तो वो मोस्ट वेलकम आपकी तरफ जरूर है, मगर किसी और बंदे के पास भी जाएं तो वो किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जो कम से कम ट्रस्टवर्दी हो। ऐसे नहीं, असल में लोग ऐसा कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि ये जो ऑनलाइन जॉब वैकेंसीज हैं वो कहते हैं कि जी इसमें बस 100% हमारा पास हो ही हो। देखिए एक चीज़ होती है कि वो हमारे अंडर है जो कि 100% वर्क परमिट है, हमारा एक कंपनी के साथ बात चल रही है, उसने हमें उसके पास कोटा आना है, उसने हमें वर्क परमिट इशू करना है, हमने आगे अपना मकूल सा प्रॉफिट रख के हमने आगे सेल कर देना है। एक चीज़ तो ये होती है, एक होती है कि ऑनलाइन जॉब वैकेंसीज उसमें हमने अपना CV डिस्ट्रीब्यूट करना है, आगे ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है या आपकी एजुकेशन या आपके स्किल पे डिपेंड करता है। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर करके दे सकता हूँ। मैं यूरोप या अपना USA या कहीं भी इधर उधर इंग्लैंड आने जाने की बात नहीं करता, UAE आने जाने की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की। अगर यहाँ पे एक कैंडिडेट है ना उसको ये चीज़ समझनी चाहिए। अब पाकिस्तान में भी जॉब बैंक के ये जॉब बैंक्स काफ़ी सारे बने हुए हैं, वहाँ से लोग अपनी जॉब्स अवेल करते हैं, लोगों को जाके सीवीज देते हैं, यहाँ पे भी ये काम चलते हैं कि हमारे से जो है आप पहली सैलरी ले लीजिएगा, हमें जॉब दिलवा दें। तो वो बेसिकली किसी एक बंदे को रोजगार मुहैया करने का जो वसीला बनता है बंदा, उसको एक इंसान अपनी खुशी से दे रहा होता है कि यार आप मेरे से मेरी पहली सैलरी ले लो, मेरी जॉब करवा दो। अब जो आपका काम है वो ये है कि आप एक मीडियम हैं
लोगों के बीच में और यूरोप के बीच में या उनके रोजगार के बीच में, अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया तो उसमें आपने अपनी रोजी रखनी है, ये चीज अंडरस्टूड है। और इसी चीज को बुनियाद बना के मैंने आपसे रब्ता किया था, या मैं चले इस चीज को अपने तौर पे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। अगर लोगों की बात की जाए तो वल्ला आलम कोई इस बात को समझता है या नहीं समझता, वो हर बंदे की अपनी सोच है, तो हर बंदा अपने हिसाब से सोचेगा, उस पर मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, हर बंदे की अपनी राय। तो दूसरा इसमें मैं ये बताता हूँ कि आपके जो है 100% जॉब वैकेंसीज वाली जो बात है, अगर हम यहाँ भी कहीं सीवी डिलीवर करते हैं ना, उसी तरह से आपने अप्लाई करना है। मतलब आपको जो भी नजर आएगी अपॉर्चुनिटी, आपने एक बंदे से सीवी कवर लेटर, वो जो भी चीजें आपकी हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो आपने अप्लाई करने के लिए अपलोड कर देने हैं। उसमें आगे एक एम्प्लॉयर ने देखना है कि हमने अपने लिए जो एम्प्लॉई हायर करना है अपने पास, वो हमें किस तरह से, यानी वो सूटेबल है हमारे एनवायरमेंट के मुताबिक या नहीं है। वो आपका जो है आपका बिहेवियर या आपकी चीजें या आपके एक्सपीरियंसेस या आपकी एजुकेशन की बेस पे उसने फाइनलाइज करना है। तो ये आगे डिपेंड करता है उस पे। बेसिकली मेरा भी ऐसे ही हुआ था ना, 2-3 माह लगे थे, मेरा ख्याल 4 माह हमें लगे, 4 माह लग गए थे हमें। फिर वो टाइम लगा, 2 माह का मेरा पैकेज था, ऑनवर्ड्स प्रोसेस चलता रहा, ऑनवर्ड्स चीजें चलती रही, उसके बाद जाके कहीं मेरा काम हुआ। अब इसको मैं ये नहीं कह सकता कि फुरकान भाई ने मेरा काम करवा दिया या फुरकान भाई ने नहीं करवाया। बेसिकली फुरकान भाई एक वसीला थे, काम करवाने या ना करवाने वाली जात है अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज्क और रोजी का सीमा इंसान का जो है ना वो खुद उठाया हुआ है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने ही हर चीज इंसान को मुहैया करनी है। इंसान को चाहिए कि नेक नीति से, सिदके दिल से इस चीज के लिए कोशिश करे। तो वो तो रोजी, वो जात ऐसी जात है कि रोजी तो उन परिंदों को भी देती है जो कि एक दिन का खाना खाते हैं और सो जाते हैं, कीड़े मकौड़े मतलब खाए और सो गए, और फिर उनको फिक्र नहीं होती अगले दिन की, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिस जात पे हमारी तवक्कल है वो जात हमें अच्छे से अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल। तो यही इंसानों की भी नियत होनी चाहिए मैं समझता हूँ, या मेरा एक मशवरा है लोगों के लिए, सारे मेरे जितने भाई देख रहे हैं इसको, उन सबके लिए मशवरा है कि नेक नीति से अप्लाई करें, नेक नीति से खुद करें। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाजमी आपसे कराएं, खुद कर लें, खुद कर लें, वो खुद करें। उसके अलावा ये है कि एक चीज की अवेयरनेस आएगी, मगर बात ये होती है फरमान भाई की, अब अगर आज मैं खुद अप्लाई करता हूँ ना, लेट्स से मुझे कोई बीमारी है, मैं उसका हल चाहता हूँ, मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं जल्दी से उस बीमारी को खत्म कर लूंगा, मैं खुद से एक ब्रूफन ले लूँ, एक पैनाडोल ले लूँ, और जो भी गोलियां यूज होती हैं जो पाकिस्तान की नेशनल गोलियां बनी हुई, अगर मैं खुद से वो गोलियां ले लूँ तो शायद वो उस तरह से इफेक्टिव ना हो मेरी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए मेरा एक डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, और इस पर्पस के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि किसी ना किसी एजेंट के थ्रू जरूर काम करवाएं। बिल्कुल। और ताकि वो आपके टारगेट को हिट करे, बजाय इसके कि आप इधर उधर भटकते रहें, आपको समझ ही ना आए कैसे अप्लाई करना है। कुछ लोगों को तो जॉब सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने अप्लाई कहाँ पे करना है और कैसे करना है। ऐसे। तो अगर करना है तो उसका तरीकेकार उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, फिर वो उस बेस के ऊपर अपनी जो रिजल्ट्स हैं उनको खराब कर लेते हैं। तो मशवरा मेरा ये है कि 30-40 हज़ार कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, और इसकी इस सिर्फ इस बात की वजह से उसमें वो अपना अपने लिए मुश्किलात ना खड़ी करें, या अपने लिए वो एक चीज है उसको खराब ना करें। ऐसे ही। तो बाकी ये है कि जो इंसान का नसीब है उसे मिल ही जाना है, ठीक है। कोशिश इंसान को करनी चाहिए, कोशिश कभी भी ना छोड़े, कोशिश करते रहे, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आपके इलम में भी इजाफा हुआ होगा, आपको बहुत अच्छे से गाइड भी किया इन्होंने, और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। और बाकी आगे ये है कि ये अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आप क्या चाहते हैं। तो बाकी हमारी टीम बैठी हुई है आपकी खिदमत के लिए दिन रात। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें। और ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में कह चुका हूँ, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं, लाइक भी करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और एक अच्छा सा कॉमेंट लाजमी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।